हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जिस पुस्तक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है सोचो और अमीर हो जाओ, जो कि एक फेमस इंग्लिश बुक थिंक एंड ग्रो रिच का हिंदी अनुवाद है। इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल और इस पुस्तक की दुनिया में 15 लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर भी रह चुकी है। इससे पहले कि हम पुस्तक के चैप्टर्स पर जाएँ, आइए नज़र डालते हैं लेखक परिचय पर। नेपोलियन हिल नई सोच आंदोलन के क्षेत्र में एक बहुत ही सफल अमेरिकी लेखक थे। व्यक्तिगत सफलता साहित्य की आधुनिक शैली के शुरुआती प्रस्तोताओं में से एक, उन्होंने व्यापक रूप से सफलता पर महान लेखकों में से एक माना जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त कर सकता है, यह हिल की कसौटी अभिव्यक्तियों में से एक है। वे पाउंड दक्षिण पश्चिमी वर्जीनिया में एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे। जब वे बहुत छोटे थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। युवा अवस्था में उन्हें ग्रामीण समाचार पत्रों के लिए माउंटेन रिपोर्टर के रूप में जाना जाता था। उनकी शिक्षा में खर्च के लिए धन की कमी के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा था। उनके कार्य के साथ वर्ष 1908 में हिल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब मशहूर और सफल लोगों के बारे में लेखों की एक श्रृंखला के एक भाग के रूप में उन्होंने उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार किया। उस समय कार्नेगी दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। हिल को पता चला कि कार्नेगी का मानना था कि सफलता की प्रक्रिया को एक सरल सूत्र में रेखांकित किया जा सकता है, जिसे समझने और प्राप्त करने में कोई भी सक्षम हो सकेगा। हिल से प्रभावित कार्नेगी ने उनसे पूछा, क्या वह सफलता के इस फॉर्मूले को खोजने और प्रकाशित करने में कम से कम 500 से अधिक सफल पुरुषों और महिलाओं, जिनमें से कई करोड़पति हैं, का साक्षात्कार या विश्लेषण करने के लिए यह जानकारी को एक साथ रखने का लक्ष्य रखते थे। अपने शोध के हिस्से के रूप में हिल ने थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉर्ज ईस्टमैन, हेनरी फोर्ड, एल्मर गेट्स, जॉन डी रॉकफेलर सीनियर, चार्ल्स एम श्वाब, एफ डब्ल्यू वुलवर्थ, विलियम व्रिगली जूनियर, जॉन वानगर, विलियम जेनिंग्स ब्रायन, थियोडर रूजवेल्ट, विलियम एस्टॉफ्ट और जेनिंग्स रैंडोल्फ सहित उस समय के सबसे प्रसिद्ध कई लोगों के साक्षात्कार किए। कार्नेगी के परिचय के माध्यम से हिल के अध्ययन के एक परिणाम के रूप में हिल और कार्नेगी द्वारा रंग से राजा बनने की सफलता हासिल करने के एक सूत्र के रूप में उपलब्धियों के दर्शन की पेशकश की गई थी। शुरू में 1928 में बहुखंडी अध्ययन पाठ्यक्रम के रूप में सफलता का कानून प्रकाशित हुआ था। हिल ने बाद में अपने सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना सोचो और अमीर हो जाओ थिंक एंड ग्रो रिच प्रस्तुत की, जो हर समय की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। हिल का काम निजी विश्वासों की शक्ति और व्यक्तिगत सफलता में निभाई गई उनकी भूमिका की जांच करता है। वह 1933 से 1936 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के सलाहकार बने। आज के सफलता के दर्शन के शिक्षक अपने छात्रों के व्यक्तिगत विकास के ज्ञान का विस्तार करने के लिए अभी भी हिल द्वारा सिखाए गए अनुसंधान सूत्रों का उपयोग करते हैं। नेपोलियन हिल की 87 साल की उम्र में दक्षिण कैरोलिना में आप अपना खुद का चमत्कार कर सकते हैं, यू कैन वर्क योर ओन मिराकल्स, जो 1971 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई थी, पर काम करते हुए मृत्यु हो गई थी। लेखक की प्रस्तावना। इस पुस्तक के हर अध्याय में पैसा कमाने के रहस्य का उल्लेख किया गया है, जिसे 500 से अधिक निहायत ही अमीर आदमियों की किस्मत बनाई है, जिसका मैंने एक वर्ष की लंबी अवधि में ध्यान से विश्लेषण किया है। एक चौथाई सदी से भी अधिक पहले यह रहस्य एंड्रयू कार्नेगी द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया था, जब मैं अभी एक लड़का ही था। चतुर प्यारे बूढ़े स्कॉट्समैन ने लापरवाही से इसे मेरे दिमाग में भर दिया था। फिर वे अपनी आंखों में एक हंसमुख चमक के साथ वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए और यह पता करने के लिए उन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा था कि क्या मेरे पास उसके पूरे महत्व को समझने के लिए काफ़ी दिमाग था, ध्यान से देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि मैंने इस विचार को समझ लिया था, तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं इसे दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं तक पहुंचाने के लिए
जिन्हें इस रहस्य के बिना अपना पूरा जीवन विफलताओं के रूप में बिताना हो सकता है, अपने आप को तैयार करने में 20 साल या उससे अधिक समय खर्च करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा था मैं करूँगा और श्री कार्नेगी के कॉरपोरेशन के साथ मैंने अपना वादा पूरा किया है। इस किताब में वह रहस्य है जिसे हजारों लोगों द्वारा जीवन के लगभग हर क्षेत्र में एक व्यवहारिक परीक्षण के बाद रखा गया है। यह श्री कार्नेगी का विचार था, जो कि एक जादुई फॉर्मूला है जिससे उन्हें एक अद्भुत भाग्य दिया है उन लोगों की पहुंच के भीतर रखे जाने के लिए जिनके पास जांच करने का समय नहीं है कि लोग पैसे कैसे कमाते हैं। और उन्हें यह आशा थी कि हर क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के अनुभव के माध्यम से मैं फॉर्मूले की सिद्धता का परीक्षण और प्रदर्शन कर सकता हूँ। उनका मानना था कि यह फॉर्मूला सभी पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए और राय व्यक्त किया था कि अगर इसे ठीक से सिखाया जाता है तो यह पूरी शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला देगा, जिससे स्कूल में बिताए गए समय को आधे से भी कम किया जा सकता है। चार्ल्स एम श्वाब और श्री श्वाब की तरह के अन्य युवाओं के साथ उनके अनुभव ने श्री कार्नेगी को इस बात पर बहुत आश्वस्त किया था कि जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसका जीवन निर्वाह के लिए, धन संग्रह के लिए, कमाई के कारोबार के सिलसिले में कोई मूल्य नहीं है। वह इस निर्णय पर इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसाय में एक के बाद एक युवकों को भर्ती किया था। उनमें से कई बहुत कम स्कूली शिक्षा हासिल किए थे और इस सूत्र का उपयोग कर उन्हें प्रशिक्षित करने में उनमें दुर्लभ नेतृत्व विकसित किया है। इसके अलावा उनकी कोचिंग ने उन सभी की किस्मत बना दी जिन्होंने उनके निर्देशों का पालन किया। आस्था पर अध्याय में आप विशाल संयुक्त राज्य इस्पात निगम के संगठन की एक चौंकाने वाली कहानी पढ़ेंगे, जैसा कि इसकी कल्पना और क्रियान्वयन उन युवकों में से एक ने किया था जिनके माध्यम से श्री कार्नेगी ने साबित कर दिया कि उनका फॉर्मूला उन सभी के लिए काम करेगा जो इसके लिए तैयार है। रहस्य का यह अकेला प्रयोग है जिसके द्वारा युवक चार्ल्स एम श्वा ने अपने लिए पैसे और अवसर दोनों में से एक बहुत बड़ा भाग्य निर्मित कर दिया। मोटे तौर पर कहते हुए सूत्र का यह विशेष अनुप्रयोग 60 करोड़ डॉलर के बराबर था। ये तथ्य और वे ऐसे तथ्य जो कि लगभग हर उस किसी को ज्ञात है जो श्री कार्नेगी को अच्छी तरह से जानता है, जो आपको इस पुस्तक को पढ़ने से मिल सकता है उसके बारे में आपको एक निष्पक्ष विचार देता है, बशर्ते आप जानते हों कि वह क्या है जो आप चाहते हैं। इससे पहले भी यह 20 साल से व्यवहारिक परीक्षण के तहत रहा था। यह रहस्य 1,00,000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं को बताया गया था जिन्होंने इसे जैसा श्री कार्नेगी की योजना में उन्हें करना चाहिए था अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। कुछ ने इसके साथ अपना भविष्य निर्मित किया है, दूसरों ने अपने घरों में सामंजस्य बनाने में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। एक पादरी ने इसे इतने प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया कि इसने उनकी आय $75,000 प्रति वर्ष से ऊपर बढ़ा दी। आर्थर नैश, एक सिनसिनाटी दर्जी, ने अपने लगभग दिवालिया हो चुके व्यापार को एक गिनी पिग के रूप में सूत्र का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया। व्यापार में जीवन लौट आया था और अपने मालिकों को का भाग्य बना दिया। यह अभी भी संपन्न है, हालांकि श्री नैश गुजर चुके हैं। प्रयोग इतना अद्वितीय था कि अखबारों और पत्रिकाओं ने इसे एक लेख से अधिक प्रशंसात्मक प्रचार का मूल्य दिया। रहस्य डलास, टेक्सास के ऑस्टिन स्टुअर्ट वायर को दिया गया था। वह इसके लिए तैयार थे, इतना तैयार कि उन्होंने अपने पेशे को छोड़ दिया और कानून का अध्ययन किया। क्या वह सफल हुए, यह कहानी भी कही गई है। मैंने यह रहस्य जेनिंग्स रेंडोल्फ को बताया जिस दिन उन्होंने कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने इतनी सफलतापूर्वक इसका प्रयोग किया कि जब तक यह उन्हें व्हाइट हाउस ना पहुंचा दे वह इसको प्रयोग जारी रखने के एक शानदार अवसर के साथ अब वह कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में सेवारत हैं। ला सल्ले एक्सटेंशन विश्वविद्यालय के विज्ञापन प्रबंधन के रूप में सेवा करते हुए जब यह एक नाम से थोड़ा अधिक था, मुझे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष
जे जी चॉपलिन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सूत्र का इतने प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए उसके बाद से उन्होंने लासल्ले को देश के महान एक्सटेंशन स्कूलों में से एक बना दिया है। वह रहस्य जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, उसका इस पुस्तक में कम से कम कोई 100 बार उल्लेख किया गया है। इसे सीधे नामित नहीं किया गया है। इसके अधिक सफलतापूर्वक काम करते दिखने के लिए जब इसका महज पर्दाफाश किया जाता है और दृष्टि मिलाकर छोड़ दिया, जहाँ जो तैयार है और इसकी खोज कर रहे हैं इसे उठा सकते हैं। इसीलिए श्री कार्नेगी ने मुझे इसका कोई विशिष्ट नाम बताए बिना इतनी शांति से इसे मेरी तरफ उछाल दिया था। यदि आप इसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं तो आप हर अध्याय में कम से कम एक बार इस रहस्य को पहचान लेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं विशेषाधिकार प्राप्त महसूस कर सकूं आपको यह बताते हुए कि आपको कैसे पता चलेगा कि यदि आप तैयार हैं, लेकिन वह आपको उन अधिकांश लाभों से वंचित करेगा जो आप अपने तरीके से खोज करने में पाएंगे। जब इस किताब को लिखा जा रहा था, मेरे अपने ही बेटे ने, जो तब अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष के कार्यों को पूरा कर रहा था, दूसरे अध्याय की पांडुलिपि उठाया और उसे पढ़ा और खुद के लिए इस रहस्य की खोज की। उसने जानकारी को इतने प्रभावी ढंग से इस उपयोग किया था कि एक औसत आदमी जितना कभी कमाता उससे अधिक के शुरुआती वेतन पर वह सीधे एक जिम्मेदार स्थिति में चला गया। उनकी कहानी संक्षेप में अध्याय 2 में वर्णित की गई है। जब आप इसे पढ़ते हैं, शायद आप किसी भी ऐसी भावना को जो आप में हो सकती थी खारिज करेंगे, जिसको यह किताब की शुरुआत में बहुत ज़्यादा देने का वादा करती है। और भी, यदि आप कभी भी हतोत्साहित होते हैं, यदि आपको कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है जिससे सारी आत्मा को आपसे अलग कर दिया है, आपने कोशिश की और विफल रहे हैं, यदि आप कभी भी किसी बीमारी या शारीरिक दोष से विकलांग रहे थे, तो मेरे बेटे की खोज की यह कहानी और कार्नेगी के सूत्र का उपयोग खोए हुए हौसले के रेगिस्तान में नखलिस्तान साबित हो सकता है जिसकी आप खोज कर रहे हैं। इस रहस्य का बड़े पैमाने पर विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन द्वारा इस्तेमाल किया गया था। यह हर उस सिपाही को जिसने युद्ध में हिस्सा लिया, मोर्चे पर जाने से पहले प्राप्त किए जाने वाले प्रशिक्षण में ध्यान से पिरोकर दिया गया था। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया, यह युद्ध के लिए आवश्यक धन जुटाने में एक मजबूत कारक था। 20 से अधिक साल पहले माननीय मैनुअल एल केओजोन फिलीपीन द्वीप समूह के तत्कालीन आवासीय आयुक्त अपने लोगों की आज़ादी हासिल करने के लिए इस रहस्य से प्रेरित थे। उन्होंने फिलीपींस के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की और स्वतंत्र राज्य के पहले राष्ट्रपति हैं। इस रहस्य के बारे में एक और अजीब बात यह है कि जिन लोगों ने एक बार इसे हासिल किया और इसका इस्तेमाल किया, उन्होंने बहुत थोड़े प्रयासों से खुद को सफलता की ओर सचमुच उड़ान भरते हुए पाया और उन्होंने फिर से कभी भी विफलता की ओर मुड़कर नहीं देखा। यदि आपको इस पर संदेह हो तो इसे इस्तेमाल करने वाले उन लोगों के नामों का अध्ययन करें जहां भी उल्लेख किया गया है, खुद के लिए उनके रिकॉर्ड की जांच करें और आश्वस्त हो जाएं। कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई चीज़ नहीं है। रहस्य जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, एक मूल्य चुकाए बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। हालांकि कीमत इसके मूल्य की तुलना में कम नहीं होती है। उन लोगों द्वारा जो समझबूझकर इसकी खोज नहीं कर रहे हैं, यह किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे छीना नहीं जा सकता, इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि यह दो भागों में मिलता है। पहला हिस्सा इसके लिए तैयार लोगों के पास पहले से ही है। रहस्य इसके लिए तैयार सभी लोगों की समान रूप से अच्छी तरह सेवा करता है। शिक्षा को इसके साथ कुछ नहीं करना है। मेरे पैदा होने के बहुत समय पहले ही रहस्य को थॉमस एल्वा एडिसन के पास अपना रास्ता मिल गया था और उन्होंने इतनी होशियारी से इसे इस्तेमाल किया कि वह दुनिया के प्रमुख आविष्कारक बन गए। हालांकि उन्होंने स्कूली शिक्षा केवल 3 महीने ही प्राप्त की थी। रहस्य श्री एडिसन के एक कारोबारी सहयोगी को दिया गया था। उन्होंने इतने प्रभावी ढंग से इसका इस्तेमाल किया कि हालांकि
वह एक वर्ष में केवल $12,000 ही कमा पाते थे, उन्होंने एक बड़ी मात्रा में धन संचित कर लिया और जब वह अभी एक युवक ही थे सक्रिय व्यापार से सेवानिवृत्त हो गए। आपको उनकी कहानी पहले अध्याय के शुरुआत में मिलेगी। यह आपको समझाएगा कि धन आपकी पहुंच से बाहर नहीं है, कि आप जो बनना चाहते हैं वह अभी भी बन सकते हैं, कि पैसा, प्रसिद्धि, सम्मान और खुशी उन सभी लोगों द्वारा हासिल किया जा सकता है जो इन आशीर्वादों के लिए तैयार हैं और इसे पाना निर्धारित करते हैं। इन बातों को मैं कैसे जानता हूँ? आपके इस किताब को ख़त्म करने से पहले आपके पास इस सवाल का जवाब होगा। आप इसे सबसे पहले अध्याय में पा सकते हैं या अंतिम पृष्ठ पर। अनुसंधान के 20 साल का कार्य कर रहा था जिसे मैंने श्री कार्नेगी के अनुरोध पर शुरू किया था। मैंने सैकड़ों प्रसिद्ध लोगों का विश्लेषण किया, जिनमें से कई ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति कार्नेगी रहस्य की सहायता के माध्यम से जमा किया था। इन लोगों के बीच में थे हेनरी फोर्ड, विलियम व्रिगली जूनियर, जेम्स जे हिल, ईएम स्टॉल्टर, थियोडोर रूजवेल्ट, अल्बर्ट हुवर्ड, विलियम जेनिंग्स ब्रायन जैसे लोग। ये नाम उन सैकड़ों मशहूर अमेरिकियों में से एक छोटे से अंश भर का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी उपलब्धियां वित्तीय और अन्यथा साबित करती हैं कि जो लोग कार्नेगी रहस्य को समझते हैं और उपयोग करते हैं जीवन में उच्च स्थानों तक पहुंचते हैं। मैं ऐसे किसी को भी नहीं जानता हूं जो रहस्य का उपयोग करने के लिए प्रेरित हुआ था और जिसने अपने चुने हुए क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं की। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं जाना जिसने इस रहस्य को पकड़े बिना खुद को भीड़ से अलग किया हो या किसी भी परिमाण में धन जमा किया हो। इन दो तथ्यों से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि आत्मनिर्णय के लिए आवश्यक ज्ञान के एक भाग के रूप में रहस्य और उस किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है जो एक व्यक्ति उस चीज़ के माध्यम से प्राप्त करता है, जो लोकप्रिय नाम शिक्षा के रूप में जाना जाता है। वैसे भी शिक्षा क्या है, इसका पूरे विस्तार में जवाब दिया गया है। जहाँ तक स्कूली शिक्षा का संबंध है, इन लोगों में से कोई का बहुत काम था। जॉन वानामकर ने एक बार मुझे बताया था कि उनकी स्कूली शिक्षा कितनी थोड़ी थी। उन्होंने यह काफ़ी हद तक उस तरीके से अधिग्रहित किया था जिस तरह एक आधुनिक लोकोमोटिव पानी ग्रहण करता है, जैसे ये चलाता है, पानी जमा करता है द्वारा। हेनरी फोर्ड उच्च विद्यालय कभी नहीं पहुंचे, कॉलेज तो दूर की बात है। मैं स्कूली शिक्षा के महत्व को कम करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपना गंभीर विश्वास व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं कि वे लोग जो रहस्य में उस्ताद हैं और उसको उपयोग करते हैं उच्च स्थानों तक पहुँच जाएंगे, धन जमा करेंगे और अपनी शर्तों पर जीवन जिएंगे, भले ही उनकी स्कूली शिक्षा बहुत ही थोड़ी हो। कहीं कहीं जैसा कि आप पढ़ेंगे, रहस्य जिसका मैं उल्लेख करता हूं, अगर आप इसके लिए तैयार हैं, पृष्ठ से कूद जाएगा और आपके सामने दिलेरी से खड़ा हो जाएगा। जब यह प्रकट होता है आप इसे पहचान लेंगे, चाहे आप यह लक्षण पहले अध्याय में प्राप्त करें या आखिरी। जब यह खुद को प्रस्तुत करे, एक पल के लिए रुकें और गिलास उल्टा कर दें। यह अवसर आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक होगा। हम अब पहले अध्याय और मेरे बहुत ही प्रिय मित्र की कहानी पर आगे बढ़ेंगे, जिन्होंने उदारता से स्वीकार किया है कि उन्होंने रहस्यमयी संकेत देखा है और जिनकी व्यापार उपलब्धियां पर्याप्त सबूत हैं कि उन्होंने गिलास उल्टा कर दिया था। जब आप उसकी और दूसरों की कहानी पढ़ें, याद रखें कि वे जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं से निपटती हैं, जैसा कि सभी लोगों को अनुभव करना होता है। समस्याएं जीविका कमाने, आशा, साहस, संतोष और मन की शांति की तलाश से धन जमा करने और शरीर और आत्मा की स्वतंत्रता का आनंद लेने के किसी के प्रयास में उत्पन्न होती हैं। जैसा आप पुस्तक पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, यह भी याद रखिए, यह कल्पना से नहीं तथ्यों से संबंधित है। इसका उद्देश्य एक महान सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करना है, जिसके माध्यम से वे सभी लोग जो तैयार हैं न केवल क्या करना है बल्कि यह भी कि यह कैसे करना है सीख सकते हैं और शुरू करने के लिए ज़रूरी एक प्रोत्साहन भी प्राप्त करते हैं।
आपके पहले अध्याय शुरू करने से पहले तैयारी के एक अंतिम शब्द के रूप में क्या मैं एक संक्षिप्त सुझाव प्रदान कर सकता हूँ जो एक सुराग प्रदान कर सकता है जिसके द्वारा कार्नेगी रहस्य मान्यता प्राप्त कर सकता है। यह बस यही है, सभी उपलब्धि सभी अर्जित धन एक अवधारणा से ही उनकी शुरुआत होती है। यदि आप रहस्य के लिए तैयार हैं तो आप पहले से ही इसके आधे के स्वामी हैं। इसलिए जिस पल इसका अन्य आधा भाग आपके दिमाग तक पहुंचेगा आप आसानी से इसे पहचान लेंगे।